हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अल्कोहल एंड फिनॉल के नोट्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको हिंदी मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। अब ये है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए इसके नोट्स तो आपको खुद को लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है, रिएक्शन से रिएक्शंस। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम होता है, मोस्टली रिएक्शंस होती है। इस चैप्टर में आप अल्कोहल और फिनॉल की अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखाऊंगी और आप इन नोट्स को नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि जब आपको एक बार यहीं लिखने में जोर आ रहा है तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में भी तो जोर आएगा फिर। इसलिए पहले एक बार खुद के नोट्स खुद के हाथों से तो बना लो, बाद में एग्ज़ाम में लिखने की प्रैक्टिस वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि मैंने नोट्स को बनाया ही इस तरीके से है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से राइट करके आना है अपनी बीएससी के एग्ज़ाम में। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे इसका पीडीएफ मांगेंगे, और मैं उन लोगों को बता दूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आप रिएक्शन अपने हाथ से लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको वो रिएक्शन याद नहीं होगी। मैंने भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर दिया था, एक एक रिएक्शन कम से कम 8-8, 10-10 बार रिवाइज़ करी है खुद से लिख लिख कर, क्योंकि आप वैसे रिएक्शंस को याद नहीं कर सकते बिना लिखे हुए। इन नोट्स में मैंने आपको रिएक्शंस तो जो आपकी इम्पॉर्टेंट है वो बताई ही है, उसके साथ साथ उनकी मैकेनिज्म भी बताई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक मैकेनिज्म, एक एक रिएक्शन आपकी अल्कोहल फिनॉल की जो बीएससी के एग्ज़ाम के अंदर है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, वो सारी रिएक्शंस मैंने इन नोट्स में कवर की हुई है। यानी ये होने वाले हैं आपके लिए एकदम बेस्ट नोट्स फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल इन बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे, और यदि आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है तो आप पहले सिलेबस ज़रूर देख लें। सिलेबस के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने सभी ईयर का सिलेबस दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस मिल जाएगा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, उन लोगों को मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको बीएससी के सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। मैथ्स के नोट्स मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको ओनली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी के सारे चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, वो भी एकदम बेस्ट। अब मेरे लिए बेस्ट नोट्स का मतलब क्या है? अच्छी हैंड राइटिंग, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ हो उन नोट्स में उस चैप्टर का, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो वो भी उन नोट्स में डाले हुए हों, सारे टॉपिक्स अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाए हुए हों। यही मैं चाहती हूँ कि आपकी जो बीएससी की स्टडी है वो आपको इजी लगे इन नोट्स के द्वारा। जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बीएससी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब अच्छे से समझ में आने लगेंगे, एक अच्छे वे में आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। लेकिन नोट्स आपको स्क्रीन पर से देखकर खुद को बनाने ही पड़ेंगे, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से याद कर पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भले ही आपका थ्योरेटिकल पार्ट आता है, फिजिकल में भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही रिएक्शन है। यदि मैंने इसका पीडीएफ दे भी दिया तो आप कौन सा डायरेक्ट इन्हें पढ़कर ही याद कर लोगे? रिएक्शंस तो आपको लिखकर ही याद करनी पड़ेंगी ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी नोट्स खुद से बनाएं स्क्रीन पर से देख देख कर। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करती जा रही हूँ स्क्रीन को, और फिर भी यदि आपको फास्ट लगे ना तो आप वीडियो को स्लो कर लेना मेरी आवाज़ को म्यूट करके। राइट साइड में ऑप्शन होता है, आप स्पीड को तेज़ और स्लो भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। इसमें बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं, वहाँ से छोटे क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, और इन नोट्स में से कुछ ही मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि आपने ये नोट्स कर लिए और आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए ना, तो ये समझ लीजिए आपका पूरा चैप्टर एकदम 100% रेडी है। ये नोट्स के अलावा आपका बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ।
नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपको मैं हमेशा बताती हूँ हर चैप्टर के लिए। अब देखिए इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये क्या है? नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन आपकी डायरेक्ट पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन, या फिर इसके बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को लिखते हैं। दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन उसने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में इन नोट्स में जो लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, उसी तरीके से लिखना है, बस उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ ले तो कन्फ्यूज ना हो जाओ। इसलिए इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, खुद से लिखेंगे तो आप थोड़ा समझ समझ के भी लिखेंगे इन नोट्स को। ये वाला चैप्टर आपका बड़ा है मैं मानती हूँ, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल, इनके सारे टाइप्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, सारी चीज़ है। और दो कंपाउंड है अलग अलग, दोनों ही बहुत बड़े बड़े कंपाउंड है, काफ़ी सारी रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये चैप्टर आपका थोड़ा बहुत आपने 11th-12th क्लास में पढ़ी हुई है रिएक्शन, तो इतना टफ भी नहीं लगेगा, लेकिन आप कर लोगे अच्छे से। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद अपनी एग्ज़ाम में मेरी तरफ से बेस्ट देकर आओगे, और मेरी आप सबसे बेस्ट विशेष रहेंगी। आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा, इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। एक रिक्वेस्ट क्या मैं कर सकती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ जो नोट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, जहाँ से आप थोड़ा बहुत भी कुछ लेते हैं, जिस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिलता है या जो चैप्टर आपको चाहिए वो उस वीडियो में मिलता है, तो उस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जिस तरीके से आपको इन नोट्स की ज़रूरत है, आपके दोस्तों को भी, आपके क्लासमेट्स को भी इन नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ये नोट्स यहाँ से ढूँढ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से अपनी नोट्स को ढूँढ रहे होंगे, ताकि उन्हें भी अच्छे नोट्स मिल जाएँ एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ आप ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी नोट्स को पढ़ सकें। मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाना एकदम फ्री में, और बाकी पढ़ना और समझना आपका काम है। समझाने के लिए मैंने आपको चैनल्स बताए हुए हैं, बीएससी केमिस्ट्री के बेस्ट चैनल, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना इन नोट्स को लिखने के बाद, फिर आप उन चैनल से अपनी बीएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, मैंने उस वीडियो में उन चैनल्स के बारे में बताया हुआ है। इसी तरीके से मैंने हर सब्जेक्ट के बेस्ट चैनल बताए हुए हैं बीएससी के लिए, ताकि आप वहाँ से उनकी स्टडी कर सकें और मेरे चैनल से नोट्स ले सकें, ताकि आपकी बीएससी की पूरी पढ़ाई इसी यूट्यूब से कंप्लीट हो जाए और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। किसी भी पेज में, किसी भी वर्ड में कहीं भी कोई दिक्कत हो, बेझिझक पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। यदि आपका कमेंट मुझ तक पहुंचता है तो मैं आप उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूंगी। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो, यानी आपको किसी भी तरह की कोई टॉपिक, कोई भी रिएक्शन समझनी हो, तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च करके आराम से समझ सकते हैं। और यदि कोई टॉपिक या कोई रिएक्शन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती है लेकिन आप उसे समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। लेकिन मैं ओनली उन्हीं टॉपिक्स को समझाऊंगी मेरे चैनल पर जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल हर टॉपिक पर काफ़ी वीडियोस मिल जाती है। तो समझने का काम तो आप उन चैनल से कर ही सकते हो जो पढ़ाते हैं या फिर जो समझाते हैं बीएससी की केमिस्ट्री को। फिर भी यदि कोई टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़ाया है जो आपके बीएससी के चैप्टर में है, सिलेबस में है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ये वाली रिएक्शन है अब आपकी, जो अर्ध पिनेकोल पूर्ण विन्यास, सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन को आप ओनली समझने के हिसाब से पढ़ें। मैंने प्रीवियस ईयर में इस रिएक्शन को नहीं देखा है, यानी पिछले 5 साल में ये रिएक्शन पूछी नहीं गई है, तो हो सकता है या तो आगे ये पूछी ही ना जाए या फिर अगले साल आ ही जाए। तो इस रिएक्शन को भी आप एक बार ज़रूर देख लें।
ये रिएक्शन काफ़ी बड़ी है, तो मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरीके से कौन सा कंपाउंड इससे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से एलिमिनेट हुआ है और फाइनल क्या प्रोडक्ट बना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है और एरो के हिसाब से आपको समझाई हुई है किस तरीके से कौन सा एलिमेंट कौन से कंपाउंड से जुड़ता है। मैकेनिज्म का सबसे अच्छा यूज़ यही है कि हमें वो रिएक्शन समझ में आ जाती है कि किस तरीके से रिएक्शन हुई है। आई होप आपको इन नोट्स को लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसकी PDF के लिए मुझसे मत बोलिएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस तो आपको लिखनी ही पड़ेगी खुद से, इसलिए वीडियो देखते देखते वीडियो को पॉज करते लिख लें और साथ साथ में आप इनको समझ भी लेंगे। काफ़ी रिएक्शंस तो इतनी इजी है कि आप लिखते लिखते ही समझ जाएंगे और आपको थोड़ी बहुत याद भी हो जाएगी। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हुए हैं अल्कोहल के, तो वो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि आप 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए अल्कोहल के या फिनॉल के, 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए। तो ये हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए। तो वो जितनी रिएक्शन ज़्यादा होंगी उतने बड़े मार्क्स में आ जाएगा, इसलिए रिएक्शंस कोई सी मत छोड़िएगा। और जो नेम रिएक्शंस होंगी उनको ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेम रिएक्शंस काफ़ी पूछी जाती है। आई होप आपको इन नोट्स की हैंड राइटिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको वही नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ जिनकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है और आप उन्हें आसानी से स्क्रीन पर से देखकर लिख सकें, उन्हें समझ सकें। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि यदि फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो खुद की हैंड राइटिंग में लिखोगे तो कभी भी पढ़ सकते हो। नोट्स हमेशा अच्छे बनाएं, क्योंकि एक बार ही नहीं पढ़ने, हमें नोट्स को बार बार पढ़ना होता है। अब ये आपका जो अभी तक आपने पढ़ा था वो हो गया पूरा अल्कोहल, यहाँ से आपका फिनॉल स्टार्ट होता है। तो अब आप इसे नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करिएगा, ये आपके फिनॉल के नॉमनक्लेचर। अब जो चीज़ें आपने अल्कोहल में पढ़ी थी उसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, वो सारी चीज़ें आप फिनॉल के अंदर पढ़ोगे। अब ये जो लिखे हुए हैं ना, ये बताए थे मैंने अभी, ये सारे इसके कंपाउंड्स हैं फिनॉल के, यानी फिनॉल के ये कंपाउंड बनते हैं। तो हो सकता है आपको इनका नेम ही पूछ ले डायरेक्ट, या फिर नेम देकर ही रिएक्शन पूछे, तो आपको इन कंपाउंड्स के नेम पता होने चाहिए और ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। फिर बनाने की विधियाँ, इसमें तो आपको एक भी मेथड नहीं छोड़ना है, सारे करने हैं। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है उसका नेम ज़रूर लिखें। जैसे इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना, तो इसमें नीचे स्ट्रक्चर के साथ साथ नेम भी लिखा हुआ है। तो आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यही फ़र्क होता है कि किसी को तो 15 नंबर ही मिले और किसी को 20 नंबर मिले। जब आप उनमें नेम लिखते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में, तो वो आपकी रिएक्शंस एकदम कंप्लीट मानी जाती है और बिना नेम के वो रिएक्शंस अधूरी मानी जाती है, इसलिए उसमें मार्क्स भी आपको आधे ही मिलते हैं। फिर ये केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो गई फिनॉल की, ये छोटी छोटी रिएक्शंस है, याद कर लेना इन्हें। अलग अलग शॉर्ट मार्क्स में आ जाती है या फिर लॉन्ग मार्क्स में ही वो पूरी 10 रिएक्शंस दे देता है एक एक नंबर में, लेकिन रिएक्शंस तो आपको सारी करनी ही पड़ेंगी और लिख के ही याद करें इन रिएक्शंस को। ये आपकी सल्फोनेशन की रिएक्शन है, यहाँ पर ये जो PHOL फॉल लिखा हुआ है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। इसमें देखिए, जब आपकी फिनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है, तो एक बार तो है 25 डिग्री सेल्सियस पर और नीचे है 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो अब ये जो ट्रिक है वो किस तरीके से काम करेगी, पी यानी पैरा, एच यानी हाई टेम्परेचर, यानी पैरा हाई टेम्परेचर। तो यानी जब हाई टेम्परेचर देंगे तो ये देखिए सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर,
और जब आपने लो टेम्परेचर दिया तो कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजिशन पर, यानी पैरा हाई टेम्परेचर, ऑर्थो लो टेम्परेचर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है फॉल। यहाँ से आप इस रिएक्शन को आसानी से याद कर सकते हैं। और भी छोटी मोटी चीज़ें इन नोट्स में सारी कवर की हुई है, जो भी आपको समझनी हो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूँगी। वैसे तो मैकेनिज्म आपको सारी समझ में आ जाएगी, मैंने अच्छे से बताई हुई है इन नोट्स में। ये देखिए पूरी मैकेनिज्म है, आप इसको अच्छे से लिखिएगा, कोई भी एरो इधर उधर मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है, नेम रिएक्शन है, इसलिए नेम रिएक्शन डायरेक्ट आ सकती है। यदि आपको मैकेनिज्म याद नहीं हो तो रिएक्शन तो ज़रूर कर लेना, भले ही मैकेनिज्म आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म बहुतों को याद नहीं होती, मैकेनिज्म ओनली समझने के लिए होती है। यदि फिर भी बड़े मार्क्स में आ जाए तो हम रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म लिख दें तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन यदि आपको मैकेनिज्म याद नहीं होती तो आप एटलीस्ट डायरेक्ट रिएक्शंस तो याद कर ही लेना, इनको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। और जो स्टूडेंट्स नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब होने वाले हैं आपके नोट्स ख़त्म। ये नोट्स मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाए हुए हैं, आपका जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर किए हुए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी टाइम लगता है एक चैप्टर के बेस्ट नोट्स बनाने में, क्योंकि नोट्स तो मैं बना दूँ, नोट्स तो यूँ ही बन जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें एनालिसिस करके ही बनाने पड़ते हैं। जो भी चीज़ें हो सकती है एक बेस्ट नोट्स में, बेस्ट क्या क्या चीज़ें डाल सकती हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको ये नोट्स पहुँचाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी बहुत जल्द। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।